इरादे जिनके पुख्ते हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते हैं। ये अल्फाज जो हम बयान कर रहे हैं, ये यहाँ पे बरलब एक मिसाल है। हमारे साथ है बात करने के लिए इंशा। इंशा की कहानी इस तरह है, 2016 में नामसाई हालात की वजह से शुपियां में भी हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, और ऐसे में इंशा एक हादसे का शिकार हो चुकी। इंशा की आंखों में पैलेट लगे और वो बिनाई से महरूम हो चुकी थी, और उस वक्त ये कहा गया कि इंशा शायद अब अपनी ज़िंदगी बड़े कठिन दौर से गुजार सकती है और इसके आगे बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकते हैं। लेकिन इंशा ने हिम्मत नहीं हारी। इंशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, कल जब 12th का एग्ज़ाम आया तो डिस्ट्रिक्ट लेके उन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया। सारे लोग इंशा को बधाई दे रहे हैं, हमारी न्यूज़ 18 की तरफ से भी इंशा को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इंशा से बात करेंगे, इंशा ने कितनी मेहनत की, और यहाँ पे हम दाद देंगे उनके वालदेन के जो इस बुरे वक्त में इंशा के साथ रहे। इंशा को किसी तरह सरकार की तरफ से उस वक्त मदद मिली वो भी जानेंगे। इंशा को किस तरह पैलेट लगे वो भी जानना चाहेंगे इंशा से। लेकिन इंशा उन लोगों की एक मिसाल बन चुकी है जो हिम्मत हारते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऐसी कहावत है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर इंसान कुछ करे, किसी फील्ड में जाए, मेहनत करे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल टू विलिंग माइंड। बात करने के लिए हमारे साथ है इंशा। इंशा ये बताइए, 2016 में उस वक्त आप कहाँ थी जब आपकी आंखों में पैलेट लगे, तो क्या माहौल रहा उस वक्त? यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था 2016 में, तो मैं खिड़की पे थी और मैंने खिड़की खोली तो मुझे पैलेट आ गए। उसके बाद मुझे बहुत सारे चैलेंज आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत रखी उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का फेस किया, और उसके बाद मैंने 10th क्वालिफाई किया, और उसके बाद 3 इयर्स तक मैंने DPS में ज्वाइन किया। वहाँ पे कोर्स किया, ब्रेल कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और ऑरेंटेशन मोबिलिटी कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक वहाँ पे किया, और 11th से 2021 में किया मैंने। आज मैंने 12th क्वालिफाई किया, मैं बहुत खुश हूँ मैंने 12th क्वालिफाई किया आज अच्छे मार्क्स से। इंशा, कितनी परेशानियाँ आपको इन सालों में पेश आई, क्या सरकार की तरफ से आपको आज तक किसी तरह की रियायत मिली, किसी तरह की मदद मिली? हाँ बिल्कुल, मिली थी सरकार की तरफ से मुझे ये मदद मिली, गैस एजेंसी मिली, लेकिन आज तक वो ये चालू नहीं हो गई है। और मेरे फादर को गवर्नमेंट जॉब मिला है सरकार की मदद से, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ JKCPG का, जो उनका डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एजुकेशन में। उन्होंने मुझे 2018 से लेकर आज तक रिहेबिलिटेट किया, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे पेरेंट्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज तक सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। इंशा, अब आगे बहुत बड़े ज़्यादा चैलेंजेस है। अब आपने 12th एग्ज़ाम पास किया है, अच्छे मार्क्स लेके डिस्टिंक्शन आपने ली, तो आगे क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह आगे मुझे प्लान है, मैं बैचलर्स करना चाहती हूँ प्लस IAS कोचिंग, ताकि जो मेरे जैसे लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट बने, किसी पे डिपेंड ना रहे, और लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स आप भी आते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहे, आगे बढ़ना चाहे। अब आगे क्या इरादा है, क्या बनना चाहती हो आप? मैं आगे बनना चाहती हूँ IAS ऑफिसर, ताकि जो मेरे जैसे लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट बने और हिम्मत नहीं हारेंगे तो आगे बढ़े, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे। अगर हम इंशा उन दिनों बात करेंगे 2016 में जिस तरह हालात बने नामसाइद हालात की वजह से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी तरह वो पैलेट के शिकार हो चुके हैं, मैक्सिमम जो लड़के यानी कि नौजवान लोग थे उनकी वो बिनाई से महरूम हो गए, उन्होंने हिम्मत हारी, कईयों ने पढ़ाई छोड़ दी, कई लोग मजदूरी कर रहे हैं, या अगर हम इस साल की बात करें जो 65% जो है रिजल्ट निकला है, तो जो कैंडिडेट्स जो है वो पास नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या वसीयत करेंगे?
उनको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, उनको भी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। और फेल तो सब होते हैं लाइफ में, तो एक बार फेल होना चाहिए, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखनी चाहिए उनको, ताकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही मेरी मैसेज है उनके लिए। यानी कि इंशाद का साफ कहना है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट थे जो 12th में अपना जो है पास नहीं कर पाए, वो हिम्मत ना हारे और इंशा की तरह, इंशा बिनाई से महरूम है और उसके बावजूद भी इंशा ने इतने अच्छे मार्क्स लेके 12th जो है पास किया है, तो उन लोगों के लिए जो है एक मशाल रहा है इंशा। तो इंशा का यही कहना है कि किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बार बार यही हम भी कहते हैं कि उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि पहले हम कह चुके हैं कि नथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल टू विनिंग माइंड, यानी कि इंसान अगर शौक और मेहनत रखे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क।